हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे साइड प्लीटेड कुर्ती, जिसकी कटिंग और स्टिचिंग हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। इसकी कटिंग बहुत ही इजी है, तो चलिए हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कुर्ती के फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछाया है। सबसे ऊपर हमने फ्रंट पार्ट लिया है और इसके नीचे हमने बैक पार्ट को लिया है। फोल्डेड साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और ये जो खुली वाली साइड है वो बाहर की तरफ रखी है। और आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, एक मैंने लाइन ड्रॉ करी है, क्योंकि कपड़ा बराबर नहीं था तो बराबर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची है, जिसको हमें बाद में कट करना है। और यहाँ पर देखिए, बैक साइड में जो कपड़ा है इसमें बॉटम लाइन में पहले से ही फोल्डिंग है, तो हम बैक के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। फोल्डिंग के लिए जो हम मार्जिन लेंगे 1 इंच का, वो हम फ्रंट पार्ट के लिए लेंगे बॉटम फोल्डिंग का, और आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे जो हम ऊपर शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो टोटल लेंथ हमारी यहाँ पर रेडी जो है वो 43 इंचेस है। इसमें हमने टोटल फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, जो होता है 44.5 इंच। 1 इंच हमारी बॉटम में फोल्डिंग जाएगी और आधा इंच हमारी शोल्डर जॉइंट जाएगी। अब यहाँ पर शोल्डर का हाफ निशान लगाएंगे, जो होता है 7.5, और शोल्डर स्लोप करीब हम 1/2 इंच डाउन मार्क करेंगे। और इसी लाइन से हमें अपनी आर्म होल का निशान लगाना है। 7.5 में निशान लगाया है और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। इसके आगे हम अपनी चेस्ट लाइन मार्क करेंगे, तो चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसको हमें 1/4 करेंगे, प्लस 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। जैसे यहाँ पर मेरे मेजरमेंट में चेस्ट का 1/4 होता है 10.5, प्लस 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन मैंने लिया, जो होता है 12 इंचेस। तो टोटल 12 इंचेस मैंने मार्क कर लिया है। शोल्डर टू वेस्ट लाइन हमारा 15 इंचेस है, जिसमें हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर 15.5 में मैंने निशान लगाया है वेस्ट लाइन पे, और ऊपर से 23 इंचेस पे निशान लगाया है हिप लाइन पे। दोनों निशानों को हमें आगे इस तरफ स्ट्रेट कर लेना है। हम यहाँ पर हिप का मेजरमेंट नहीं लेंगे, हमें सिर्फ वेस्ट का मेजरमेंट यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर वेस्ट राउंड 38 इंचेस है, जिसका हमें 1/4 करना है। तो यहाँ पर मैं 9.5 पे निशान लगा दूँगी। और यहाँ पर देखिए, हिप का जो मेजरमेंट मैंने लिया है ना, यहाँ पर जो एक निशान बनी है, तो आप इस निशान को अभी इग्नोर कर लें, क्योंकि इस कुर्ती में हम हिप का मेजरमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर प्लीटेड कुर्ती बना रहे हैं। तो प्लीटेड कुर्ती में हमारी हिप लाइन जो है वो थोड़ी सी लूज़ होती है। अभी हम सिर्फ हिप लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे, और इसके बाद हम अपनी चेस्ट और वेस्ट लाइन की जो मार्किंग की है उसमें इस तरह से मार्जिन लाइन बना लेना है। इसके बाद हम अपनी आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो देखिए, फ्रंट आर्म होल के लिए मैंने 1 इंच पर निशान लगाया और बैक के लिए मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया। इस तरह से हमें दोनों आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर आर्म होल मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए, वेस्ट लाइन पे जो सेंटर हमने मार्क किया था, वहाँ से 5 इंच पे निशान लगाना है। ये निशान जो है आगे की तरफ हमें देखना है, हमें इतने एरिया में प्लीट उठानी है और यहाँ से हमारा कपड़ा कट होगा। तो बाकी का जो कपड़ा है हमारा ऐसे ही कट हो जाएगा। फिलहाल अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे। अभी हम फ्रंट नेक में कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रंट नेक हमारा एम्ब्रॉयडरी है, इसमें नेक बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने नेक विड्थ 2.75 इंचेस मार्क करना है। बैक नेक की डिपनेस मैं 4 इंच लूँगी। स्क्वायर बॉक्स एक बना लेंगे, जिसके अंदर हमें राउंड शेप बना लेना है बैक नेक के लिए। और फ्रंट नेक में जो डिपनेस है वो करीब 7 इंचेस है। अब देखिए, यहाँ नेक से होते हुए शोल्डर लाइन को इस तरह से मिला लेंगे तिरछा, और अब हम इस पैटर्न को कट कर लेंगे। देखिए, हमने बैक आर्म होल के होते हुए कटिंग कर लिए। अब ये जो पार्ट है ना, हमारा स्लीव्स के लिए रह गया है, इसमें हम अपना स्लीव्स बनाएंगे। तो ये पार्ट का जो कटिंग हो गया है, यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था, हमें यहाँ पर गैदर से बना लेनी है। और हिप की मार्किंग हम यहाँ पर करेंगे, जो हम चाक ओपन रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच पे मार्क किया है, और इस लाइन को मैंने वेस्ट लाइन पे मिला लिया है इस तरह से। जब हम प्लीट बना लेंगे ना, तो इसको हम बाद में स्टिच कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने बैक नेक को कट कर लिया है, और अब हम फ्रंट आर्म होल को कट कर लेंगे। तो बढ़ेंगे स्टिचिंग की तरफ। यहाँ पर हम सबसे पहले नेक बनाएंगे। तो यहाँ पर नेक बनाने के लिए आप देख सकते हैं, मैंने फ्रंट और बैक दोनों के लिए कपड़ा कट कर लिया है। फ्रंट पार्ट मैंने कैनवास कट करी है, जिसको मैंने फैब्रिक में चिपका लिया है। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर हमने कैनवास के पट्टी को रखना है, जिसको सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से हमें निशान बना लेनी है, और इसको हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। आप चाहो तो इसके ऊपर स्टिच भी कर सकते हो। अब हम यहाँ से किनार में सिलाई लगा देंगे इस तरह से। देखिए, मैंने यहाँ पर फ्रंट नेक में स्टिच कर लिया है, और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे, और हल्के हल्के नॉचेस लगा देंगे, ताकि हमारा जो नेक का कपड़ा है वो बैक की तरफ ईजिली टर्न हो जाए। अब इस पट्टी को हमें बैक की तरफ टर्न कर लेंगे, और इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है नेक में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने फ्रंट के नेक में स्टिच कर लिया है, और ये कंप्लीट रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया। बैक नेक में मैंने पट्टी बना ली है,
लेकिन अभी हमने इसको स्टिच नहीं किया है। जब हम इसके कंधे अटैच करेंगे तब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो अभी हम साइड में प्लीट देंगे, तो उसके लिए जो हमने कट लगाया था ना वो आपको देखना है। करीब आधा आधा इंच का प्लीट हमें अंदर की तरफ इस तरह से उठाना है और साइड में हमें डेढ़ इंच का मार्जिन छोड़ देना है। इस तरह से इतना ही प्लीट हमारा आया है, तो ऐसे ही प्लीट हमें दूसरी तरफ भी ले लेनी है और इसके ऊपर हमें स्टिच कर लेनी है दोनों तरफ। देखिए मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अब हमें ऊपर वाले पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से यहाँ पर हम हल्की सिलाई देंगे सेंटर से इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों तरफ स्टिच कर लिया है। अब मैंने इस तरह से चार डोरी बना के रखी हुई है जिसको हमें यहाँ पर लगानी है अपने कुर्ती पे। तो अब देखिए हमें किस तरह से लगाना है। यहाँ से मैंने हल्का सा स्टिच ओपन कर लिया है, एक डोरी हम इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। दूसरा डोरी को भी हमने इस तरह से लगा लेना है और बाकी जो डोरी हमारी रह जाएगी जब हम बॉडी फिटिंग करेंगे तब हम इसको अटैच करेंगे। जैसे हमने फ्रंट में प्लीट बनाया है ना, तो वैसे ही हमने यहाँ पर बैक साइड में भी प्लीट बना लिया है, आप देख सकते हो। अब हम दोनों पार्ट के शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों को हमने रॉन्ग पोजीशन में लिया है और यहाँ पर नेक का कपड़े को बाहर की तरफ रखते हुए शोल्डर को जॉइंट करेंगे इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ पर शोल्डर फिटिंग कर ली है और ये जो कपड़ा है ना वो बाहर की तरफ आपको दिख रही होगी, इसको हमें इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और पूरे नेक में हमें इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो आप ये देख सकते हैं हमारा दोनों तरफ का नेक अच्छे से बन चुका है और शोल्डर भी जॉइंट हो चुके हैं। अब हमें अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग मैंने इस वीडियो में नहीं इंक्लूड की है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो आप ये देख सकते हैं हमने इस तरह से स्लीव्स कुर्ती के लिए बनाया है। आजकल ये स्लीव्स की डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंडिंग है। ये स्लीव्स हम ब्लाउज़ और कुर्ती दोनों में पहन सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये स्लीव्स। ये स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो हम बहुत ही जल्द चैनल पर अपलोड कर लेंगे। ये डिज़ाइन सीखने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। तो अब चलते हैं हम स्टिच को अटैच करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती को ले लिया है, सेंटर से फोल्ड करते हुए इस तरह से हमें मार्क कर लेनी है सेंटर मार्क, और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम यहाँ पर एक साइड का जॉइंट करेंगे। अब दूसरी तरफ भी इस तरह से हमें स्टिच कर लेनी है। सेम इसी मेथड से हमें दूसरी तरफ का स्लीव्स को भी अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुर्ती में स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम अपने दोनों डोरियों को ले लेंगे। एक डोरी को हम एक साइड में लगाएंगे यहाँ पर और इसको एक पिन लगा लेंगे। दूसरे डोरी को भी हम दूसरे साइड पिन लगा लेंगे ताकि ये डोरी जो है ना वो अपने जगह पे बने रहे। अब इसके ऊपर हम कपड़े को उल्टा रखेंगे और साइड की फिटिंग करके डेढ़ इंच के मार्जिन लेंगे। जहाँ तक हमने चाक का निशान लगाया था वहाँ तक हमें स्टिच करनी है और जैसे हम नॉर्मल चाक सिलते हैं और बॉटम की फोल्डिंग करते हैं वैसे हमें यहाँ पर रेडी कर लेनी है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी कुर्ती बिल्कुल रेडी हो चुकी है वेयर करने के लिए। हमने इस कुर्ती में डोरी में लटकन बनाया है। लटकन की वीडियो मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाती और इसकी फाइनल आप देख सकते हैं। अगर आपको लटकन की वीडियो चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर ये आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो इसको प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। इसी तरह से अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।